दोस्तों, उस्मानिया सल्तनत जिसकी दौरे हुकूमत 623 साल थी और ये अपने वक्त की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर किस सुल्तान की वजह से ये सल्तनत इतनी ताकतवर बनी? दोस्तों, वो थे सुल्तान सुलेमान के वालिद सुल्तान सलीम अव्वल, जिन्होंने इस सल्तनत को बेहद ताकतवर बनाया और अपनी सल्तनत की सरहदों को अफ्रीका तक पहुँचा दिया। दोस्तों, जितना इलाका शुरुआत के 8 सुल्तानों ने जीता था, उतना तो अकेले सुल्तान सलीम ने जीत लिया था और अपनी सल्तनत में मक्का, मदीना और यरूशलम जैसे मुकद्दस शहरों को शामिल कर लिया। और इस सुल्तान के में सल्तनत उस्मानिया एक खिलाफत में बदल गई और इसी के बाद मुसलमानों ने उस्मानी तख्त पर बैठने वाले सुल्तानों को अपना खलीफा मानना शुरू कर दिया था।